हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूं। और वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है प्रीति सूदन, यूपीएससी की नई चेयरपर्सन, पूर्व स्वास्थ्य सचिव। प्रीति सूदन ने 1 अगस्त 2024 को यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। अब उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो उन्होंने डॉक्टर मनोज सैनी का स्थान लिया है, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित कैसे प्रश्न फ्रेम हो सकता है कि वर्तमान में यूपीएससी की नए अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में यूपीएससी की जो नई अध्यक्ष है वो प्रीति सूदन है। प्रीति सूदन वर्ष 1983 बैच की आंध्र प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। और ये जो है श्रीमती आरएम व्यक्ति के पश्चात यूपीएससी की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला है। अर्थात इनसे पहले जो महिला थी जो यूपीएससी की अध्यक्ष रह चुकी हैं वो श्रीमती आरएम व्यक्ति थी। तो ये भी एक प्रश्न फ्रेम हो सकता है कि हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला कौन है, तो वहां हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, प्रीति सूदन। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो यूपीएससी के पहले अध्यक्ष जो थे वो आरएन बनर्जी थे। अब यहां पर प्रश्न किस तरह से फ्रेम होता है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के पहले चेयरमैन कौन थे, तो वहां हमारा उत्तर क्या होगा, वहां हमारा उत्तर होगा आरएन बनर्जी। अब यूपीएससी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूं। यूपीएससी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अर्थात एक संवैधानिक निकाय है जो संविधान के अनुच्छेद 378(1) के प्रावधान के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। अर्थात यूपीएससी कब से अस्तित्व में आया, तो वहां उत्तर हमारा क्या होगा, 26 जनवरी 1950। अब यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट क्या है और कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और संघ लोक सेवा का आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। यहाँ पे हमने लिखी दिया कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर जो है यूपीएससी के अध्यक्ष को हटा सकता है जिसमें उसे दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया हो। एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।